हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक सिम। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच हो रहा है पर्थ ग्लोरी वर्सेस सिडनी एफसी के बीच 4:15 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो आपको बता दूँ पर्थ ग्लोरी और सिडनी टीम बहुत आगे है। सिडनी इस वक्त देखी जाए तो बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है, क्योंकि जो सिडनी के भाई ज़बरदस्त हालात चल रहे हैं इस सीज़न, टॉप 3 के अंदर बैठी हुई टीम है, टॉप 5 तक मतलब। और पर्थ ग्लोरी की बात करें तो ये बहुत नीचे चल रही है, लेकिन पर्थ ग्लोरी की स्ट्राइकिंग अच्छी है। आप ये लगा लो सिडनी अगर एफसी अगर ये मैच जीत भी जाती है तो फिर भी पर्थ ग्लोरी गोल ज़रूर करेगी, नील नहीं जाएगा ये मैच। ये इस मैच में क्लीन शीट लगना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्लीन शीट नहीं लगेगी दोनों साइड से, मेरे हिसाब से दोनों तरफ से गोल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में सबसे पहले लूँगा एडम टैगर्ट को। भाई ये बंदा बहुत जेन्युइन है यार, मतलब ये बंदा किसी भी टीम को गोल लगाने का दम रखता है, जबकि टीम जीते या ना जीते ये अपनी तरफ से बेस्ट देता है। इसने सिडनी के खिलाफ पहले भी 2 दिसंबर को गोल किया था, मतलब ख़तरनाक बंदा है भाई एडम टैगर्ट को। समझ में नहीं आता टीम इतनी बेकार और ये प्लेयर इतना अच्छा कैसे हो सकता है, अमेजिंग भाई। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए आर मैक को मैं ज़रूर लूँगा, पूरा इनफॉर्म चल रहा है और सिडनी पूरी फॉर्म में, भाई सिडनी एफसी टीम पूरी फॉर्म में चल रही है, इसलिए भाई आर मैक हो गया, एफ रॉबर्टो गॉम्स हो गया तो भी लेना पड़ेगा, बिकॉज वो पेनल्टी टेकर है। कल को पेनल्टी आ गई, एक पेनल्टी काम बिगाड़ देगी अगर मैंने रॉबर्टो गॉम्स को छोड़ दिया तो। एंड आगे से अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैं लूँगा अपनी टीम में जॉय लॉले को। जॉय लॉले इज़ अ गुड प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले इस बंदे का, और लॉले बहुत ज़बरदस्त मतलब खेलता है, इस बात से भी मैं आपको बता दूं, और मैं इसे ज़रूर लूँगा। इन कैकरेस की बात करें तो आप एक कैकरेस को ज़रूर लो ब्रेटन की जगह, क्योंकि ब्रेटन को हमने बहुत बार ट्राई कर लिया भाई, जो हमें चाहिए वो नहीं दे रहा। लाइक हमें गोल या असिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो भाई सिर्फ 30-40 पॉइंट दे जाता है, तो 30-40 तो ऐसा है कि ये भी दे जाएगा, तो इसलिए मैं उसके साथ जाऊँगा। एंड अमीनी की बात करें, देखिए अमीनी से ज़्यादा बैटर जी कोहली है, ये तो मैंने आपको पिछले मैच में भी बोल दिया था। हाँ, अमीनी की जगह आपने कोई प्लेयर बदलना है तो वो आपके ऊपर है भाई, आप चाहो तो कोई भी डिफेंडर तक ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, मतलब इतना सोचने वाली बात नहीं। बट ये है कि अमीनी एक मिडफील्डर है और एक हाईली सिलेक्टेड मिडफील्डर होने के कारण ये बंदा रिस्क का कारण बन सकता है, और इस मैच में ऑलरेडी इस मैच में हम रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से अमीनी को लेना चाहिए। एंड डिफेंडिंग की अगर बात करें तो मैं ग्रांट को लूँगा। रॉडवेल का तो देखो पता ही नहीं चल पा रहा है कब खेलेगा, तो जे कॉटनी के बाद मैं किंग के साथ जाऊँगा। मैंने ऑपोजिशन टीम का एक भी डिफेंडर नहीं लेना यहाँ पे। एंड बात करें गोल कीपिंग की, ओलिवर सेल और सी कुक में से कोई खेलेगा। ओलिवर सेल का एक्सपीरियंस अच्छा है, बीच में बेचारा इंजर्ड हो गया तो सी कुक को लाया गया, आइंदा ओ सेल की जगह ले नहीं सकता कोई, इसलिए ओ सेल को लेंगे। एंड बात करें कैप्टन की, तो जो मेरा कप्तान है, देखिए बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, जे रोले के मतलब जे रोले हो गया और भी इतने प्लेयर हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं मैक के साथ जाऊँ, मैं मैक को रखूँगा और वाइस कैप्टन एडम टैगर्ट को। तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।